हेलो फ्रेंड्स, आज अपना डे 7 है 60 के कैपिटल 460 ट्रेडिंग डेज का। तो आज मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि मैंने जो ट्रेड लिया वो निफ्टी 50 के अंदर लिया। निफ्टी 50 का चार्ट यहां पर ओपन कर लिया मैंने, और जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको सभी को मैं सजेस्ट करता हूं कि निफ्टी 50 में आप ट्रेड करें। बैंक निफ्टी के अंदर जो मूव होता है वो काफी तेज होता था कि जो नए ट्रेडर है ना वो उसको पकड़ ही नहीं पाते और काफी लॉस भी हो सकता है उनको। तो देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था आज का, यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हुआ फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मार्केट ये पिछले दिन को भी यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था और फिर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर आया। तो काफी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा, बट मैं आज मार्केट में यहाँ था नहीं। मैं मार्केट में लगभग 1 बजे करीबन आया था। तो यहाँ पर देखो जब मैं मार्केट में आया तो इस जगह मार्केट था, तो यहाँ पर पूरे दिन आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड का कोई मौका नहीं मिला, फिर भी मैंने एक ट्रेड ली थी यहाँ पर। एक सभी को जो भी ट्रेडर थे, जो आपने किसी ने अगर ट्रेड लिया तो बिल्कुल कमेंट में करना कि हाँ हमने इस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर हमने ट्रेड ली थी। यहाँ पर जो जोन था इस जोन का देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका अब जैसे ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर काफी तेजी से मूवमेंट मिला आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे। और ये जो आपका कल का था इसका बिल्कुल यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिला है 530 का, यहाँ पर 530 का यहाँ पर सपोर्ट था और उसके बाद में यहाँ पर फिर मार्केट वापस कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपको जो जूम करके मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो एक ट्रेड लिया था वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर आया था मार्केट के अंदर और इसके बाद में मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर। तो मैं इस जगह से देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल ऊपर से सेलिंग आया था और जैसे मतलब यहाँ पर काफी देर मार्केट इस जोन के अंदर रुका था। तो यहाँ पर रुकने के बाद में जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट नीचे की तरफ फॉलो, और उसके बाद में एक और बिग बार जैसी कैंडल रेड कैंडल बनी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट नीचे और जाएगा, और यहाँ पर मेरा इतना अच्छा सेटअप नहीं था फिर भी मैंने इस कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर ट्रेड ली। तो मैंने जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट की तो लगभग यहाँ पर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस जगह, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक थोड़ा नीचे भी गया था इस जगह पे, लेकिन फिर मार्केट में अचानक वापस रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने बाद में ये कैंडल भी बिल्कुल ग्रीन कैंडल एंड हो गई। तो इस कैंडल में जैसे मार्केट यहाँ तक आया था ना अप्रोक्सली इस जगह, तो फिर मैं इस ट्रेड से बिल्कुल बाहर हो गया था। क्यों? छोटा सा लॉस था क्योंकि मार्केट बिल्कुल नीचे अगर जाता तो ये इतना बड़ा विक्स यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल होता ही नहीं। तो मैं इस कैंडल में निकल गया और उसके बाद में देख सकते हो मार्केट फिर यहाँ पर आपको देखने को मिला, तो मैं यहाँ से बाहर हो गया। तो आज मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ आपको मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ कि मुझे आज कितना लॉस हुआ। इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था, मेरा इतना अच्छा सेटअप नहीं था फिर भी मैंने ट्रेड ली थी। चलो मैं अब आपको यहाँ पर मेरा लॉस दिखाता हूँ। ऑर्डर बुक के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक लॉट लिया था, जितने भी नए ट्रेडर वो एक लॉट से काम करें। तो जैसे मैंने ऑर्डर एग्जिट किया तो यहाँ पर 163 था वो 166 हो गया था, इतना स्पीड से मूव मिल रहा था। फिर 153 के ऊपर मैं बाहर हो गया। तो आपको पोजीशन के अंदर मैं दिखाता हूँ, मुझे 612.50 रुपए का टोटल लॉस हुआ है, जो कि मतलब छोटा सा लॉस है। ये लॉस होना चाहिए, आपको काफी कुछ सिखाता है, लॉस होना भी जरूरी है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।